वज़ीर आज़म इमरान खान की आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट 2017 पर अमल दरामद नहीं किया और कागजात नामजदगी में मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। इस हवाले से मजीद जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, बताइएगा आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की आम इंतखाबात में कामयाबी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और एक आईनी दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान अब से कुछ देर बाद अब्दुल वहाब बलोच की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इंतखाबी उज़रदारी में इमरान खान के कागजात नामजदगी और उनके इंतखाबात लड़ने पर एतराजात उठाए गए हैं। दरख्वास्त में मौका भी अख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में अपने बच्चों के बारे में तमाम तर तफसीलात फराहम नहीं की और इलेक्शन एक्ट 2017 पर अमल दरामद नहीं किया। इस दरख्वास्त में इस्तदआ की गई है कि अदालत इमरान खान के इंतखाब को कालअदम करार दे और हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी करें। ये दरख्वास्त आज इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और जस्टिस शाहिद जमील इस दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर शाकिर आपका।